तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहलाता है। तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारा लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक पे या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है या ये नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज जरूर होता है। तो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल की बात करें तो इनमें ऑक्साइड आता है टाइटेनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपका यहां पे हीमोग्लोबिन, तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल हैं। और जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज में आपका मेटल आता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर सॉल्ट, तो ये सॉल जो है आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, या आपके सल्फाइड होते हैं जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पे क्या किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब हमें पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसके कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कहां जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, कैथोड की ओर जो है वो मूव करेंगे। तो ये तो हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ये एनोड और ये कैथोड है, तो ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये भैया देखो ये जा रहे हैं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या करेगा अपने चार्ज को यहां पे लॉस कर देगा। चार्ज को लूज करने के बाद ये यहां पे क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब यहां पे इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज है, वो किसी एक डायरेक्शन में किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर मूव करती है, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कैथोड की ओर मूव कर रही है तो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो कैटाफोरेसिस कहलाता है। अब यहां पे हमने आर्सेनिक सल्फाइड ले लिया, हमको पता है कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल होता है, तो ये कहां जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, तो यहां पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने चार्ज को लूज करेगा, चार्ज को लूज करने पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने पे यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो चूंकि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कहां जा रहे हैं, एनोड की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा एनाफोरेसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम एक यू शेप ट्यूब लेंगे, उसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन भरेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड कर देंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कोलाइडल पार्टिकल का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव करना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कैथोड पे मूव कर रहे हैं तो उसको हम कैटाफोरेसिस बोलते हैं, अगर कोलाइडल पार्टिकल एनोड की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम एनाफोरेसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा टू टाइप का हो गया, कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। इसके बाद हमें कोएगुलेशन एक्सप्लेन करना है, हमारा कोएगुलेशन जो है वो क्या कहलाता है। तो जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, स्पेशली हमारा लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन हो, उसमें हम थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट की 4-6-8-10 ड्रॉप डालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कोएगुलेट हो गया, उसका प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो क्यों बनता है, तो हमको पता है कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे टू टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज कहां से आता है और इनका कोएगुलेशन क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जरा, ये हम AS2S3 सोल जो है ये हम बना रहे हैं, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो जब हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो AS2S3 बनता है और बनेगा H2O। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे सल्फर 3 है तो सल्फर को 3 कर लेंगे,
हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए 3H2O कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो देखो जरा, ये आर्सेनिक सल्फाइड, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन गया है। अब इसमें और इसमें कौन सा आयन कॉमन है, इधर तो H पॉजिटिव S माइनस 2 है, इधर पे As प्लस 3 और S माइनस 2 है, तो दोनों में सल्फाइड आयन कॉमन है। तो जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड होता है, ये हमारा As2S3 है, इस आर्सेनिक सल्फाइड पे सल्फर आयन S माइनस 2 आयन जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है। उसके डिपोजिशन के कारण ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस बीकर में हमने आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो भर दिया है, ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, सभी पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इस कारण ये दूर दूर रहेंगे, तो ये सोल जो है वो हमारा स्टेबल होता है। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है, जब हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो सपोज हमने सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिया। अब सोडियम क्लोराइड हमने डाल दिया तो ये कैसा है हमारा, ये तो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, इसका पॉजिटिव आयन क्या है, Na पॉजिटिव, तो इसका Na पॉजिटिव जो है इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो होता यह है कि Na पॉजिटिव जो है वो सल्फाइड आयन से रिएक्ट करके Na2S बना लेता है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा As2S3, इस पे कोई भी आयन डिपॉजिट नहीं रह पाएगा, और जब कोई भी आयन डिपॉजिट नहीं होगा तो ये कैसा हो गया हमारा, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब ये न्यूट्रल हो गए, तो न्यूट्रल हो गए तो ये आपस में पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो हैवी मास का फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रेसिपिटेट होता है। तो ये प्रेसिपिटेट ऐसे बना लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के कारण जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोएगुलेट हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। जो हमारा FeOH होल थ्राइड सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता कैसे है, कि FeCl3 की रिएक्शन होती है वाटर से, तो बनता है FeOH होल थ्राइड और बनेगा HCl। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस, इधर पे हम 3 लगाएंगे क्योंकि OH3 है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन गया। तो इधर पे देखो, ये Fe प्लस 3 और Cl नेगेटिव, और ये आयनाइज होगा Fe प्लस 3 एंड OH नेगेटिव में, तो दोनों में कौन सा आयन कॉमन है, तो यहाँ पे ये Fe प्लस 3 आयन जो है वो क्या है, कॉमन है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इस पे क्या होगा, Fe3 आयन जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जिस कारण ये हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव सोल बन जाएगा, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो बस ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसकी जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल पार्टिकल्स वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन के कारण कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, स्टेबल रहता है। तो ये हमारा स्टेबल होगा, लेकिन जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सब कुछ सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन जो है, मतलब क्लोराइड आयन जो है, इससे रिएक्ट करेगा, तो Cl नेगेटिव इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, FeCl3 बनाएगा। तो सारे के सारे Fe प्लस 3 आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, FeCl3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये सारे के सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड, न्यूट्रल फेरिक हाइड्रोक्साइड आपस में क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेशन पे क्या होंगे, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाता है।
तो अगर हमारा लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन उसको कोएगुलेट करेगा, और अगर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन उसको कोएगुलेट करेगा। तो किसी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ा सा अमाउंट डाला जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा कोएगुलेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। इसके बाद हमारा जो थर्ड टर्म है डायलिसिस, तो डायलिसिस के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन जो है वो डायलिसिस के थ्रू किया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना, इसी को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल था तो कैसे बना था, FeCl3 और H2O की रिएक्शन से बना था। क्या बना था, FeOH होल थ्राइस, ये तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया और HCl था। इक्वेशन को हमने बैलेंस किया था। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, इसमें क्या है, HCl मिक्स है। तब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है इससे हमें HCl को बाहर निकालना है, तो ये क्या करेगा, HCl इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो हम करते क्या है, एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन ले लेते हैं, एक एनिमल मेम्ब्रेन ले लेते हैं। इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन में हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो भर देते हैं जिसको हमें प्योर करना होता है, और इसको हम एक वाटर टैंक में जो है वो लटका देते हैं। तो पानी से भरे टैंक में हम क्या कर देते हैं, इसको लटका देंगे। तो ये तो हमारा एनिमल मेम्ब्रेन हो गया जिसको कि हम पर्चमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस एनिमल मेम्ब्रेन से कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोलाइट जरूर बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का साइज जो है वो छोटा होता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो जैसे ही हमने इसको पानी में लटका दिया, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या हो गए, वो बाहर निकलना शुरू हो गए। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में क्या था, HCl था, तो HCl जो है यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पानी में चला जाएगा। इस वाटर को हम कंटिन्यू जो है वो बदलते रहते हैं, तो पानी को इन और आउट जो है आपको कंटिन्यू करना है ताकि हमारी प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाए। आपको प्रोसेस और ज्यादा फास्ट करानी है तो आप क्या करो, यहां पे दो इलेक्ट्रोड लगा दो। हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो होगा क्या, जो हमारा इसके अंदर HCl था, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा और H पॉजिटिव यहां से अट्रैक्ट होगा, तो HCl जो है वो बहुत जल्दी से बाहर निकलेगा। तो ये हमारी डायलिसिस प्रोसेस हो गई। डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्री कर देते हैं, जिससे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। फिर हमारे फोर्थ टर्म है टिंडल इफेक्ट। तो हमारा टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है, तो जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट की एक बीम पास कराते हैं और उस लाइट की बीम के पाथ को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो लाइट की बीम का पाथ हमको चमकीला प्रतीत होता है, चमकीला नजर आता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो जरा, आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है एक बीकर में ले लेना है, ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया और लाइट की एक बीम जो है इसमें से हमें पास करानी है, तो हमने कैंडल जो है वो बर्न की। कैंडल जलाई,
और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। लाइट जो है वो इस लेंस से पास होके कोलाइडर सॉल्यूशन में एंटर करेगी। जब हम इस लाइट बीम के पाथ को एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं राइट एंगल पे, मतलब ये बीम है और जो हमारी आंख है उसके बीच 90 का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो हमने देखा तो लाइट का ये पाथ जो है, पूरा का पूरा पाथ जो है वो हमको चमकीला नजर आने लगा। तो कोलाइडर सॉल्यूशन में लाइट की जो बीम होती है वो चमकीली हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ऐसा होता क्यों है? हमें पता है जो हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। अब इस साइज का पार्टिकल जो है वो लाइट के पार्टिकल को क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है। तो लाइट जैसे इस पार्टिकल पर टकराती है इसको क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, मतलब लाइट को फैला देता है। अब लाइट को फैला देता है तो क्या होता है, ये पूरा पाथ हमको क्या होता है, चमकीला नजर आता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं।